दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि कैसे ये छोटी सी हार्ड ड्राइव हजारों जीबी डेटा को अपने अंदर स्टोर कर पाती है? आज आप ये वीडियो देखते रहिए और मैं आपसे इसी के बारे में बात करने वाला हूं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव, आप देख रहे हैं टेक्निकल गुरुजी। चले शुरू करते हैं। दोस्तों, किसी भी स्टोरेज डिवाइस को लेके हमारी प्राइम रिक्वायरमेंट यही होती है कि वो डिवाइस बिना किसी एक्सटर्नल पावर के भी अपने अंदर जो स्टोर डेटा है उसको मेंटेन कर सके और बाद में हम जब चाहें उस डेटा को रिकवर कर पाए या फिर रीराइट भी कर पाए। क्योंकि कंप्यूटर्स को हम बार बार हमेशा ऑन नहीं रखेंगे, जैसे ही वो ऑफ हो वो हार्ड ड्राइव में डेटा कहीं डिलीट ना हो जाए, वो डेटा वहीं पर ही बना रहे और बाद में हम जब चाहें वहां पर कुछ और नया डेटा भी स्टोर कर पाए। अब आप सोच के देखो कि ऐसा कौन सा मटेरियल है या बेसिकली ऐसी कौन सी फिजिकल प्रॉपर्टी है जिसकी मदद से हम ये काम कर सकते हैं। मैग्नेटिज्म। मैग्नेटिज्म ही वो प्रॉपर्टी है दोस्तों जो आज की डेट में हार्ड ड्राइव्स में काम में आती है और हार्ड ड्राइव्स ही वो इकलौते ऐसे स्टोरेज मीडियम्स में से एक है जो बहुत ही लंबे समय से आज तक हम इनको लगातार यूज करते आ रहे हैं और आज भी मेजॉरिटी में आपके लैपटॉप से कंप्यूटर्स में नॉर्मल हार्ड ड्राइव लगा होता है और आने वाले दिनों में भी बहुत बहुत सालों तक यूज करते रहेंगे जब तक फ्लैश स्टोरेज और ज्यादा चीप नहीं हो जाती। अब ऐसा क्या है उस मैग्नेट में जिसकी मदद से हम इस हार्ड ड्राइव में डेटा को स्टोर कर पाते हैं? आप एग्जांपल लीजिए बहुत ही पुराने समय का, जब ना तो फोन था ना व्हाट्सएप था और आपको आपके फ्रेंड के साथ में शाम को एक सीक्रेट मीटिंग करनी थी, तो आपने अपने फ्रेंड को बोला कि अभी मैं कंफर्म नहीं हूं कि मीटिंग हो पाएगी या नहीं, तो मैं कल दोपहर में तुम्हारे घर के सामने एक छोटी कील छोड़ के जाऊंगा, एक आयरन नेल छोड़ के जाऊंगा, अगर वो मैग्नेटाइज्ड हुआ इसका मतलब कंफर्म है मीटिंग डन, और अगर वो मैग्नेटाइज्ड नहीं हुआ इसका मतलब मीटिंग कैंसिल। आप अपने फ्रेंड के घर के बाहर गए, अगले दिन सुबह आपके पास में एक मैग्नेट था और एक आयरन नेल थी, आपने उस आयरन नेल के ऊपर उस मैग्नेट को रब किया, थोड़ी देर वो बन गया मैग्नेटाइज्ड आयरन नेल और आपने उसको छोड़ दिया वहां पे। आपके फ्रेंड जब उसको पिक किया वो अपने घर के अंदर गया और उसने अगर किसी मेटल ऑब्जेक्ट बेसिकली या किसी आयरन ऑब्जेक्ट के साथ में उसको अगर टच किया और अगर वो चिपक गया इसका मतलब मीटिंग डन, और अगर वो नहीं चिपका इसका मतलब मीटिंग कैंसिल। एग्जाम्पल बहुत ही बेकार है मुझे पता है, लेकिन आप ये सोच के देखिए कि इस तरीके से हमने उस आयरन नेल के अंदर यस या फिर नो, इन दोनों में से किसी भी एक रिस्पॉन्स को वहां पे स्टोर करके रख लिया। अब हम कंप्यूटर्स के अंदर भी बेसिकली बाइनरी में काम करते हैं, यानी कि जो भी नंबर्स है वहां पे या तो जीरो है या फिर वन है। अगर मैं आपसे बात करता हूँ नॉर्मल इंग्लिश अल्फाबेट कैपिटल ए की, तो इसको हम कहेंगे डेसिमल, एस्की डेसिमल के अंदर बेसिकली 65, और अगर हम कन्वर्ट करते हैं 65 को बाइनरी में तो वो बन जाता है 1000001। अब आप अगर इनको स्टोर करना चाहें तो आपको चाहिए बेसिकली 7 अलग अलग आयरन नेल्स, और मैं अगर आपसे ये कहूं कि आपके उस हार्ड ड्राइव के अंदर करोड़ों अरबों छोटी छोटी वैसी आयरन नेल्स हैं जिनको आप या तो मैग्नेटाइज कर सकते हैं या फिर डीमैग्नेटाइज कर सकते हैं और आप उस डेटा को स्टोर कर पाते हैं। अब ये तो हुई मोटी बात, लेकिन अंदर बेसिकली होता क्या है दोस्तों, वहां पे उस हार्ड ड्राइव में एक सर्कुलर डिस्क लगी होती है जिसको हम कहते हैं प्लैटर। वो प्लैटर बना होता है एल्यूमिनियम से, वहां पे ग्लास भी हो सकता है लेकिन मोस्टली हम एल्यूमिनियम का यूज करते हैं। उसके ऊपर हम निकल कोबाल्ट और प्लैटिनम की कोटिंग करते हैं जिससे वो मैग्नेटिक बन जाए, और बाद में उसके ऊपर लगाते हैं कार्बन की कोटिंग जिससे वहां पे कोई भी वेयर एंड टियर जो है वो कम से कम हो सके और जो सरफेस है वो काफी स्मूथ बन जाए, और बाद में वो जो प्लैटर है वो बहुत ही तेजी से घूमता है। स्पीड कितनी जो आपने सुनी है अपनी हार्ड ड्राइव की स्पेसिफिकेशंस में, 3600 आरपीएम, 5400 आरपीएम, 7200 आरपीएम वगैरह वगैरह। अब दोस्तों वो जो प्लैटर है वहां पे आप ये समझिए कि हमने उसको बहुत ही छोटे छोटे अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया है और वहां पे हर एक पार्ट में एक वो कील है या एक वो आयरन नेल है, और उसके बाद में हम उसको मैग्नेटाइज कर सकते हैं या तो नॉर्थ ओरिएंटेशन में या फिर साउथ ओरिएंटेशन में, और बाद में हम उस डेटा को रीड भी कर पाएंगे। अब ये रीड राइट का जो काम है दोस्तों, ये करता है एक हेड जिसको हम कहते हैं बेसिकली रीड राइट हेड। ये एक आर्म की तरह से होता है जो उस प्लैटर के ऊपर रहती है एक तरीके से, और वो जैसे प्लैटर बहुत तेजी से घूमती है वो आर्म भी अलग अलग डायरेक्शन में मूव करेगी, क्योंकि हमने उस प्लैटर को डिवाइड किया है अलग अलग सर्कुलर ट्रैक्स में, बाद में उन ट्रैक्स को डिवाइड किया है सेक्टर्स में, और इसीलिए हम बड़े ही आराम से लोकेट कर पाते हैं कि कहां पर हमने डेटा को स्टोर करना है और कहां पे अपने डेटा को वहां पे जाके वापस रीड करना है। अब ये जो प्लैटर्स हैं ये छोटी कैपेसिटी की हार्ड ड्राइव्स में सिंगल प्लैटर देखने को मिलता है, जो ज्यादा बड़ी कैपेसिटी की हार्ड ड्राइव्स होती हैं वहां पे आपको मल्टीपल प्लैटर्स देखने को मिल जाते हैं, और हर एक प्लैटर के लिए हमारे पास में दो रीड राइट हेड्स होते हैं, एक होता है प्लैटर के ऊपर की सरफेस के लिए
एक होता है उसके नीचे की सर्फेस के लिए। और ये जो रीड राइट हेड है ये बहुत ही तेजी से उसके ऊपर स्कैन करते हैं, जो प्लेटर बहुत तेजी से घूम रहा होता है, और ये स्कैनिंग हो पाती है एक वॉइस कॉइल की मदद से जो उस आर्म के पीछे लगी होती है। बेसिकली आप ये समझ लीजिए कि एक कॉइल है, एक मैग्नेट है, और उसकी मदद से आप प्रिसाइजली उसकी लोकेशन को ट्रैक कर सकते हैं कि कहां पे जाके उसके डेटा को रीड या राइट करना है। अब वो जो रीड या राइट का काम है दोस्तों वो होता है इलेक्ट्रोमैग्नेट्स की मदद से, और ये जो हेड है बेसिकली उस प्लेटर के ऊपर टच भी नहीं होता है। अगर टच होगा तो वहां पे उसकी सर्फेस को खराब कर देगा, आपकी हार्ट ड्राइव क्रैश हो जाएगी। तो ऐसे में ये उसके जितना नजदीक हो सके उतना नजदीक रहता है, और अगर आज की डेट में आपसे बात करता हूं दोस्तों तो ये 10 नैनोमीटर से भी कम है। अगर आप बताऊं कि 10 नैनोमीटर कितना होता है तो आप एग्जांपल के लिए समझ लीजिए कि हमारे जो सिर का बाल है वो होता है करीब करीब 70,000 से 80,000 नैनोमीटर के बीच में, यानी कि आपके बाल का भी वो कितना छोटा हिस्सा होगा जितनी नजदीकी से वो रीड राइट हेड उस प्लेटर को स्कैन करता है। और एक और बात कि वो जितना नजदीक वहां पर चला जाता है इसका मतलब उसके नीचे का जो एरिया है वो उतना ही छोटा होगा जिसको वो स्कैन कर पाएगा, और इसका मतलब ये कि उस हार्ड ड्राइव की कैपेसिटी हम सेम साइज में 500 GB, 1 TB, 2 TB या 4 TB वगैरह अलग अलग बढ़ा सकते हैं। और इसीलिए आपको जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है वैसे वैसे आपको ज्यादा से ज्यादा कैपेसिटीज की हार्ड ड्राइव्स मार्केट में देखने को मिल जाती हैं। अब इसके बाद में होता यह है कि वहां पे जो इलेक्ट्रोमैग्नेट लगा है उसने वहां पे जो मैग्नेटाइज था उस जगह को तो कर दिया, या तो नॉर्थ में या साउथ में, और बाद में जब आपको रीड करना होता है तो वहां पे जो रीड राइट हेड है उसके ऊपर जो कॉइल लगी होती है उस कॉइल में आपको जो इंपल्स मिलता है उस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से इलेक्ट्रिक करंट का, तो आप उससे पता लगा लेते हैं कि वो नॉर्थ ओरिएंटेड है या साउथ ओरिएंटेड है, और इसीलिए आप 1001 को किसी को भी रीड कर पाते हैं। इसके अलावा आप समझ के देखिए कि एक फाइल सिस्टम भी होता है जो मैनेज करता है पूरी स्टोरेज को, जो आप सुनते हैं FAT यानी कि बेसिकली फाइल एलोकेशन टेबल, या फिर आप जो सुनते हैं NTFS, या फिर आप सुनते हैं HFS, तो जो अलग अलग सिस्टम्स हैं इनकी मदद से आप ये पता लगा पाते हैं कि आपके हार्ड ड्राइव में कहाँ पे स्पेस फ्री है, कहाँ पे भरी हुई है, कैसे डेटा को रीड करना है, कैसे डेटा को राइट करना है, और आप इसी की मदद से उस डेटा को जो आपने स्टोर कर लिया है वहाँ पे उसको रिकवर कर पाते हैं। प्रॉब्लम्स बहुत सारी हैं हार्ड ड्राइव्स की कि यहाँ पे एक तो बल्की है, दूसरा एक मैकेनिकल डिवाइस है, तो ऐसे में आपकी जो डैमेज है वो जरा सा भी अगर हो जाए तो ऐसे में पूरी हार्ड ड्राइव क्रैश हो सकती है। अगर अंदर जरा सी भी डस्ट चली जाए तो उसकी वजह से भी आपकी हार्ड ड्राइव क्रैश कर सकती है। तो ये कुछ कुछ प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन सबसे सिंपल बात कि चीप है और बड़े आराम से आप डेटा को वहां पे स्टोर कर पाते हैं। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, आप जान गए होंगे हार्ड ड्राइव्स के बारे में कि वो कैसे काम करती हैं और कैसे उस प्लेटर के ऊपर छोटे छोटे जो सेक्टर्स बने होते हैं उन सेक्टर्स में वहां पे आप छोटे छोटे जो पोर्शन हैं उनमें आप उस रीड राइट हेड की मदद से मैग्नेटाइज कर सकते हैं नॉर्थ या साउथ में, और बाद में डेटा को बाद में रिकवर भी कर सकते हैं। तो अगर आपका कोई और सवाल सुझाव हो तो आप नीचे कमेंट करना मत भूलिएगा, और अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक या शेयर नहीं किया तो लाइक भी कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा क्योंकि मैं रोजाना यहां पे ऐसी टेक वीडियोस लेके आता रहता हूं। फिलहाल के लिए इतना ही दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।